नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। 16 प्लेटफॉर्म वाले इस स्टेशन पर प्रतिदिन 400 ट्रेन और औसतन 4,30,000 यात्रियों का आवागमन होता है। स्टेशन के दो प्रवेश और निकास द्वार हैं, जो पहाड़गंज और अजमेरी गेट की ओर हैं। ये स्टेशन दिल्ली शहर के सबसे ज्यादा व्यस्त कनॉट प्लेस के नजदीक स्थित है। दिल्ली मेट्रो और 46 बस रूट नेटवर्क के द्वारा स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है। स्टेशन पर पहुंचने वाली सड़क पर कंजेशन और ट्रैफिक जाम की समस्या है। स्टेशन परिसर में यात्री सुविधा और ट्रैफिक को बेहतर करने की आवश्यकता है। मौजूदा समस्याओं के समाधान करने और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कराने हेतु RLDA लगभग 120 हेक्टेयर क्षेत्र में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना का कार्य कर रहा है। इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के कई विभागों और दोनों म्युनिसिपल बॉडीज से स्वीकृति ली गई है। स्टेशन भवन को एक आधुनिक स्टेशन के रूप में रीडेवलप किया जाएगा। स्टेशन पर वाहनों के आने जाने के लिए ग्राउंड लेवल पर तथा 10 मीटर ऊपर कॉन्कोर्स लेवल पर स्टेशन के दोनों तरफ हैं। मास्टर प्लान में स्टेशन के 23.5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि रेलवे स्टेशन इजीली एक्सेसिबल रहे। प्रभावी सुरक्षा प्रणाली और पैसेंजर मैनेजमेंट के लिए दोनों तरफ वेटिंग लाउंज, पर्याप्त टिकट क्षेत्र और यात्री सूचना प्रणाली प्रस्तावित किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त पेयजल, शौचालय और लिफ्ट का प्रस्ताव है। दिव्यांगजनों की सुविधाओं में विशेष फर्श, रेलिंग के साथ ढलान और आवागमन मार्ग दिखाने के लिए विशेष टाइलें आदि शामिल हैं। योजना के अनुसार सीढ़ियों और एस्केलेटर के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर सीधा पहुंचा जा सकता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए 120 से अधिक लिफ्ट और एस्केलेटर तथा 10,000 से अधिक यात्रियों को बैठने की व्यवस्था है। इंडिकेटर बोर्ड्स और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पूरा ध्यान रखा गया है। यात्रा के विभिन्न साधनों को जोड़ने एवं आसानी से बदलने के लिए अजमेरी गेट और पहाड़गंज दोनों तरफ पर परिवहन हब की योजना है। परिवहन हब में सभी यातायात साधनों को जोड़ा जाएगा। इस परिवहन हब में ग्राउंड लेवल पर बसों की व्यवस्था है और ऊपरी तल पर ऑटो, मोटरबाइक, टैक्सी और कारों के लिए पार्किंग और चार्जिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 19 मीटर के स्तर पर प्रस्तावित स्काईवॉक स्टेशन कॉन्कोर्स लेवल और परिवहन हब को लिफ्ट, सीढ़ियों एवं एस्केलेटर से जोड़ेगा। परिवहन हब से बस यात्रियों को आने जाने के लिए अलग और सीधे एंट्री और एग्जिट को विकसित किया गया है। अजमेरी गेट द्वार दिल्ली मेट्रो से एक भूमिगत मार्ग के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को सड़क पर आए बिना सीधे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की सुविधा होगी। एयरपोर्ट मेट्रो से भी यात्री सीधे स्टेशन पर जा सकेंगे। पैदल और साइकिल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सड़कों पर 13 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक और फुटपाथ प्रस्तावित हैं। कनॉट प्लेस को रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए स्टेट एंट्री रोड को पूर्ण पैदल मार्ग के रूप में डिजाइन किया गया है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के विशेष प्रयास किए हैं तथा स्टेशन पर पहुंचने के लिए 2 लेवल पर सड़क व्यवस्था की गई है। सड़क नेटवर्क की क्षमता में सुधार और ट्रैफिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। इन सड़कों को 2047 के एस्टिमेटेड ट्रैफिक के अनुसार बनाया जाएगा। इसके अलावा सभी नए भवनों और परिवहन हब को अलग रास्तों से जोड़ा जाएगा, जिसपे पैदल यात्री एवं बैटरी ऑपरेटेड कार चलेंगी। इससे सार्वजनिक परिवहन में अत्यधिक विकास होगा और रेलवे स्टेशन यात्रा सुविधाजनक बनेगी। यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एवं स्टेशन कॉन्कोर्स लेवल को जोड़ने के लिए 4 एलिवेटेड प्रवेश और 4 एलिवेटेड निकास प्रस्तावित हैं। पंचकुया मार्ग मुख्य रूप से पश्चिम की ओर आने तथा जाने वाले यातायात को पूरा करता है, जो कुल आवक यातायात का 35% है। इसे चौड़ा करने का प्रस्ताव है और ये स्टेशन के लिए 1 एलिवेटेड प्रवेश के साथ बसंत रोड के माध्यम से स्टेशन तक पहुँचेगा। बसंत सड़क की क्षमता में वृद्धि चौड़ीकरण के माध्यम से की जाएगी। चेम्सफोर्ड रोड दक्षिण की ओर आने और जाने वाले यातायात को पूरा करता है, जो कुल आवक यातायात का 27% है।
स्टेशन से आने जाने वाले ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड एंट्री और एग्जिट रैंप को जोड़ने के लिए इस सड़क को 45 मीटर तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है। डीडीओ मार्ग उत्तर और पूर्व की ओर आने और जाने वाले यातायात को पूरा करता है, जो कुल आवक यातायात का 38% है, जिसके लिए डीडीओ मार्ग पर एलिवेटेड एंट्री का प्रस्ताव किया गया है। उत्तर और पूर्व की ओर जाने वाले यातायात के लिए आसफ अली मार्ग और भवभूति मार्ग पर निकास मार्ग की योजना बनाई गई है। इस संपूर्ण विकास को भारत सरकार की टीओडी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है तथा निकटवर्ती इलाकों का भी ध्यान रखा गया है। यात्री सुविधा और सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देने के साथ पुनर्विकसित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का अनुभव प्रदान करेगा।